मैं हूँ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ओम नमः शिवाय कपिलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धा का विश्वास का संगम। देवात्मा हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊं मंडल के जनपद अल्मोड़ा में स्थित कपिलेश्वर महादेव जी का पौराणिक मंदिर प्राचीन काल में परम पूजनीय है। दया करुणा कल्याण के धाम के रूप में पूजित महादेव जी का ये पावन स्थान श्रद्धा विश्वास का अलौकिक संगम है। मान्यता है कि कपिलेश्वर के रूप में महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य शिव जी की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। इनकी स्तुति का सार प्रकट करते हुए कहा कि कपिलेश्वर महादेव आपको नमस्कार, परमेश्वर आपको नमस्कार है, ब्रह्मा रूपी देव को नमस्कार है, महेश आपको नमस्कार है, सांतिक मूल हेतु आपको नमस्कार है, प्रधान पुरेशा आपको नमस्कार तथा योगाधिपति आपको नमस्कार, हाथ में पिनाक धामक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार, तीन नेत्र वाले आपको बारंबार नमस्कार है, योगी योगी गुरु को नमस्कार है। शिव भक्त कत्यूरी वंश के शासकों के द्वारा निर्मित यह मंदिर अपने आप में अलौकिक है। सुंदर पर्वत मालाओं के सानिध्य में विराजमान भगवान शिव की यह भूमि तीर्थाटन की दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के आस्थावान भक्त गोपाल सिंह खन्नी बताते हैं कि मंदिर का सौंदर्य अनायास की भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। देवदार के वृक्षों के साथ साथ भांति भांति प्रकार के वृक्ष पुष्प लगाए यहाँ के सौंदर्य को विराट वैभव प्रदान करती है। कलकल धुन के नृत्य में करती नदियां कपिलेश्वर को नतमस्तक करते हुए आगे बढ़ती हैं। शकुनी नदी व कुमिया नदी के मध्य में स्थित यह मंदिर शिव भक्तों के लिए भगवान शिव की ओर से अनुपम भेंट है। यहां स्वयंभू रूप में प्रकट शिव पिंडी की यहां पूजा होती है। कुछ भक्त भगवान शिव के कपाल को कुछ कपिल मुनि के ईश्वर के रूप में इनका स्मरण पूजन वंदन करते हैं। दो महाप्रतापी नागों की कथा भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कपिलेश्वर के नाम से अनेक पौराणिक मंदिर देश के अनेक भागों में मौजूद हैं। उत्तराखंड में भी कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर अनेकों स्थानों पर पूजित हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड के कपिलेश्वर महादेव का सुंदर वर्णन आता है। व्यास जी जिज्ञासु ऋषि गणों के समूह को गूढ़ रहस्य बतलाते हुए कहते हैं कि योग मार्ग के प्रदर्शक एवं आदि नागों में सेवित कपिलेश्वर उत्तम क्षेत्र है। तुमेव योगा दर्शकों ज्ञाता और द्विजा राजित यत्र देवेश कपिलेश महेश्वरे और कपिलेश क्षेत्र नंदी स्कंदी गणेश तथा 16 मृतिकाओं में सेवित होते हुए घोर पापों का विनाशक क्षेत्र है। इस तीर्थ के दर्शन करने में समस्त पापों का हरण हो जाता है और साधकों की साधना को सफल बनाने वाले कपिलेश्वर महादेव योग भी परम शिक्षक कहते हैं। इनकी आराधना से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। कपिलेश्वर महात्मा ने कहा कि कपिल मुनि के नागों की राजा वासुकी को कपिलेश्वर का महामत्य और बताते हुए कहा कि महिमा अद्वितीय है, अतुलनीय है। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर नागराजों व नागों ने इनकी अपनी तपोभूमि बनाई है। और आपको बता दें कि कपिलेश्वर मंदिर के बारे में जनमानस इस कथा को काफी प्रसिद्ध कहा जाता है कि नागों की इस तपोभूमि में एक बार दो नागों ने प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि एक दूसरे मंदिर में जो नियत समय से जल्दी तोड़ेगा वो विजयश्री होगा। शर्त के मुताबिक मोना के मंदिर और कपिलेश्वर के मंदिर में दो नाग की इस प्रतिस्पर्धा में शर्त लगी कि एक दूसरे के मंदिरों में कौन जल्दी तोड़ता है। इसमें कपिलेश्वर के नाग राजा विजय होते हुए चंद्रशेखर विभूति भूषण त्रिनेत्र कैलाशी अविनाशी कपाल मालाधारी शंकर को कोटिशः प्रणाम करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, शंकर प्रिया कपिला देवी की भी ये वासुभूमि है। मंदिर के समीपस्थ बहने वाली नदी के किनारे की पत्थरों पर नागों की आकृतियां भी दिखती हैं। अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय में लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्वारप में मोना सरगा खेत जाने वाले मार्ग पर लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सहज गाँव पहुंचकर आप कपिलेश्वर महादेव के दर्शन किए जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।